हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। निजी स्कूलों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा परिवार पाली ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कोरोना काल के चलते पिछले 17 महीनों से स्कूलें बंद पड़ी हैं। बच्चों का पढ़ाई स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जिससे निम्न व मध्यम आर्य वर्ग की बच्चियों के घरेलू काम में लगकर हमेशा हमेशा के लिए स्कूल छोड़ने की प्रबल संभावना है एवं बालक बाल मजदूर बन रहे हैं। निजी स्कूलों के बैंक किश्ते, कॉम सीरियल, बिजली, पानी बिल, वाहन इंश्योरेंस में सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही। इसके चलते निजी स्कूलों के आर्थिक हालत बिगड़ चुके हैं। अब सरकार ने सब कुछ अनलॉक कर दिया है तो शीघ्र 16 जुलाई से स्कूल खोले, निदेशक के बिना टीसी के प्रवेश के भ्रामक आदेश को वापस लेवे तथा टीसी व प्रवेश नियमों की पालना की जावे, निजी स्कूलों के बकाया पड़े आरटीई भुगतान को शीघ्र जारी व नियमित करे, सरकारी व निजी स्कूलों के पोर्टल को समान रूप से खोले, इसमें भेदभाव नहीं करे। हमारी जायज मांग को राजस्थान सरकार समय रहते नहीं मानती है तो मजबूरन हमें हमारे परिवार के साथ सड़कों पर आना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जागरूक टीवी के पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।